ये लक्ष्मी दुनिया वाला जब देखता है दो प्रकार का चिंतन कैसे होता है। दिल्ली की सड़कों पर जब पद यात्रा करते हुए हम गुजरते नंगे पांव शरीर पसीने से लथपथ, देखने वाले को कंधों पर वजन, जो केवल देहलक्षी वृत्ति का व्यक्ति है जो इस चिंतन को नहीं जानता है उसके मन में प्रश्न आता है कि इनको क्या हो गया है। पर बंधु और बहनों, मैं दिल्ली के आईटीओ के अनुव्रत भवन की झरोखे में जब खड़ा होकर के देखता दिल्ली रात को 2 बजे भी, और यही हालात मायावी नगरी मुंबई का भी है, लोग दौड़े जा रहे हैं, हमें लगता है ये इनको क्या हो गया है। सचमुच में इस भौतिकतावादी युग के अंदर पूर्ण यौवन अवस्था प्राप्त कॉलेज के दरवाजे देखने के बाद युवाओं को जिस तरह से नम्र मुनि जी महाराज धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाली शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक उनकी इन सेवाओं को याद किया जाएगा। सचमुच में बंधुओं, में इस समय अधिक समय इसलिए भी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पता भी नहीं, किंतु इतना जानता हूं कि मंच पर बहुत ही ज्ञान वृद्ध, चरित्र वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध चरित्र आत्माएं जो विराजित हैं, औरों के भी वक्तव्य होंगे, किंतु बंधुओं और बहनों मैं ये कहना चाहता हूं, ये सौभाग्य था रामकृष्ण परमहंस का, उन्हें विवेकानंद जैसा शिष्य मिला था, और ये सौभाग्य था समक्ष रामदास का, उन्हें शिवाजी जैसा शिष्य मिला था। और मुझे लगता है कहीं न कहीं धीरज मुनि जी महाराज, मैं आपके स्वर में स्वर मिलाना चाहूंगा, ये सौभाग्य गोंडल परंपरा का भी कि उन्हें नम्र मुनि जैसा एक ऐसा संत मिला है। जय। बंधुओं और बहनों, जब व्यक्ति बहुत तेजी से प्रगति करता है, इस दुनिया के अंदर सब तरह के जीव जंतु होते हैं, दूसरों की प्रगति को देख करके प्रमोद भावना, गुण ग्राहकता, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, वो जैन दर्शन है, किंतु दुनिया के अंदर मिथ्यात्वी लोगों को भी कमी नहीं। जब आंख मक्खी की हो तो वो मूल्यों की खोज नहीं कर सकती, मक्खी जो है केवल गंदगी पर जाकर के बैठेगी। किंतु बंधुओं, जो श्रेष्ठ काम करते हैं, जो उत्कृष्ट काम करते हैं, और मैंने जब से मैं इनके परिचय में आया हूं, मुझे नहीं पता ये किस जन्म का ऋणानुबंध है, किस जन्म का संबंध है, लेकिन परिचय में आने के बाद पहली बार जब दीक्षा महोत्सव था तो मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती को सौभाग्य मिला कि इंडियन पार्लियामेंट में जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षाएं होने जा रही थी घाटकोपर में, उन सबका अभिनंदन करने का अवसर भारत की संसद में पहली बार वो एक वाक्य हुआ था।